बनाए होते तो सिंगापुर नहीं जाते। माननीय नीतीश कुमार जी अगर अच्छा हॉस्पिटल बनाए रहते आँख का तो दिल्ली नहीं जाते। तो इसलिए खुद अपने आप पर भी दिखिए ना कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हम कर रहे हैं तो हमारा इलाज कहाँ हो रहा है। अगर हम सही शिक्षा का विकास कर रहे हैं, शिक्षा पर जोर दे रहे हैं, तो हमारा बच्चा कहाँ पढ़ रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूँ सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए अभी हम लोग बापू सभागार में हैं और आप मेरे चारों तरफ देखिए, चारों तरफ देखिए जो हुजूम है, आम लोग जो हैं यहाँ पर जुटे हुए हैं। चारों तरफ पूरे बिहार के कोने कोने से जन सुराज के जो लोग हैं वो आज बापू सभागार में पहुँचे हैं। क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या कुछ चर्चाएँ हैं, आइए हम खुद इन लोगों से जानते हैं। कहाँ से आए भाई? कटिहार से। क्या कार्यक्रम है, किस लिए आए हुए हैं? वो जन स्वराज का आज कार्यक्रम है। अच्छा, जन कर्पूरी जी की जयंती जो है वो मनाई जा रही है। अत्यंत पिछड़ाओं को हक दिलाने के लिए ये पार्टी आज यहाँ तक पहुँची है। इसके लिए हम लोग सब अपने एरिया से आए हुए हैं। अच्छा, क्या कहेंगे, जन स्वराज जो है वो किस प्रकार बदलाव करेगा, क्या सोचते हैं जन स्वराज के बारे में? गरीब और अत्यंत पिछड़ाओं को हक दिलाने में बहुत मदद करेंगे, इसलिए इतने सारे लोगों का हुजूम लगा हुआ है। जन स्वराज के नेता कौन? पीके प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि हम नेता नहीं हैं। हम नहीं, उनका कहना बिल्कुल सत्य है, वह नेता नहीं है। जनता को नेता बनाने की बात करते हैं। जो पिछड़े हैं, शोषित हैं, उनको खोज करके ईमानदार जो कर्मठ लोग हैं उनको जनता के सेवा करने के लिए आगे ला रहे हैं। नेता तो खुद नहीं है, नेता बनाने का काम उन्होंने शुरू से किया है, आज भी कर रहे हैं। खिर हैं जो भी हमारे साथीगण आए हुए हैं वो सारे युवा हैं। तो युवा जहाँ है, इस देश का पावर ही युवा है। और युवा मान के चले गए, हम जुड़े हुए हैं तो हमारे घर में 10 सदस्य हैं, तो एक तरह से वो भी तो जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए हम युवा को खास करके, हम लोग का कोशिश है कि युवा जुड़े, क्योंकि युवा ही जुड़ेगा तो उसका जो भी परिवार है वो ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। क्या लगता है टक्कर दे पाएंगे आप लोग? हाँ बिल्कुल। क्या लग रहा है आपको, टक्कर दे पाएंगे आप? हाँ, टक्कर जरूर देंगे। 40 की 40 सीटें हैं बिहार में और जदयू, बीजेपी, कांग्रेस, राजद पूरी तरह से खूटा गाड़ चुका है। उस बीच में जन स्वराज जो नई पार्टी है, अभी तो पार्टी भी नहीं, अभी तो पार्टी भी नहीं बना है आपका। हाँ देखिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं खूटा गाड़ने का। चुनाव लड़ेंगे, ये कोई ठीक नहीं है, वही बताएंगे प्रशांत जी, बताएंगे हम लोग कुछ नहीं। बनाए होते तो सिंगापुर नहीं जाते। माननीय नीतीश कुमार जी अगर अच्छा हॉस्पिटल बनाए रहते आँख का तो दिल्ली नहीं जाते। तो इसलिए खुद अपने आप पर भी दिखिए ना कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हम कर रहे हैं तो हमारा इलाज कहाँ हो रहा है। अगर हम सही शिक्षा का विकास कर रहे हैं, शिक्षा पर जोर दे रहे हैं, तो हमारा बच्चा कहाँ पढ़ रहा है। अच्छा, लोकसभा में क्या मानते हैं कि लोकसभा में जो वोट है, 40 सीट है, उसमें कौन सा सबसे नेता प्रभावी पड़ेगा? नीतीश कुमार, लालू यादव, मोदी, प्रशांत किशोर, कौन सबसे प्रभावी पड़ेगा? देखिए अभी तो प्रशांत जी हमारे जो नेता हैं वो अभी बोले नहीं है कि हम लोकसभा चुनाव को माने फलना जगह से फलना जगह लड़ाएंगे, चाहे चुनाव होगा हमारा 400 सीट पर मेरा उम्मीदवार होगा। लेकिन मोदी जी हैं वो अभी, उनका तो प्रचार अभी अयोध्या से चालू हो गया है। क्या बोले, बिना प्रचारे का वो प्रचार कर रहे हैं। तो लग रहा है कि मोदी जी निकाल लेंगे, लग रहा है। लेकिन विकास की मामला में आया जाए, लोग सब कुछ कर रहा है, विकास की मामला में कुछ नहीं। पूर्वी मेरा तो जिला तो सफा माने दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। तो चतुर से क्या बोल के आई हैं, क्या कार्यक्रम है, किस लिए आई हुई हैं आप? जन स्वराज के अथी में आई हूँ। जन स्वराज के कार्यक्रम में आई हुई जी। कौन से नेता के साथ आई हैं? संजू ठाकुर मुखिया के। अच्छा, तो क्या लगता है जन स्वराज जो है, जन स्वराज जो है बिहार में कुछ बदलाव ला पाएगा? जी सर। हाँ जी। नीतीश कुमार कैसे नेता लगते हैं आप लोगों? नीतीश कुमार जी एकदम घटिया लगते हैं नेता। हाँ? नीतीश कुमार एकदम घटिया घटिया है। तो देखिए, जन स्वराज में जो ग्रामीण महिलाएं पहुंची हुई हैं वो किस तरह ग्रामीण परिवेश की जो बातें हैं वो बता रही हैं, वो कह रही हैं। कोई जो लोग हैं वो नीतीश कुमार को पसंद करने वाले लोग हैं, कोई लालू प्रसाद यादव को पसंद करने वाले लोग हैं, लेकिन जन स्वराज का कार्यक्रम में ये लोग सम्मिलित होने आए हैं। जन स्वराज जो प्रशांत किशोर एक नई सोच के साथ बिहार में पलायन खत्म करने के लिए
जो है एक मुहिम छेड़े हुए हैं, हालांकि अभी पार्टी का निर्माण नहीं हो पाया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।